दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेट किंग जैसा कोई सिमिलर इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी अच्छी मिल जाए और आपको जॉब भी मिल जाए और उससे बहुत कम कॉस्ट में, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्त देखो, मैं बता दूँ, जाहिर सी बात है, जेट किंग अगर आपको प्लेसमेंट दिलाता है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देता है जो कि वैलिड होता है आईटी की फील्ड में या कोई और कोर्स भी हो, चाहे वो आप सर्वर का हो, चाहे आईटी प्रोफाइल का हो, सपोर्ट का या डेस्कटॉप सपोर्ट वगैरह का, या नेटवर्किंग का, सिक्योरिटी का, कोई सा भी अगर आप कोर्स करते हो तो एक वो सर्टिफिकेट देता है जो वैलिड होता है। मीन्स कि आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब अराउंड अराउंड जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो इतना कॉस्ट करता है जेट किंग इंस्टीट्यूट में। तो कई बार होता है कि हम लोगों ने डिग्री कर ली होती है और हो सकता है बीएससी आईटी से किया हो या बीसीए किया हो, कोई और सा कोर्स किया हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि नहीं, फिर हम उतना उतना कॉस्ट और देना नहीं चाहते, उतना लगाना नहीं चाहते। तो दोस्तों देखो कि आप किसी भी बड़ी सिटी में जाओगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई, मैं ये टोटल रीजन्स की मैं बात करूँ, या आप लखनऊ भी ले सकते हो, तो इस सिटीज़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट जहाँ पे ये बने हुए होते हैं सेंटर, तो हो सकता है एक गली में आपको 10-10, 20-20, 30-30 वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। तो जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट बने हुए होते हैं तो वहाँ पे आप जाके बात करोगे तो वो बहुत एक नॉर्मल कॉस्ट में आपका एक सर्टिफिकेशन करवाते हैं। सर्टिफिकेशन मीन्स कि वो एक लोकल सर्टिफिकेट होता है। बट अभी क्या हो गया, देखो यार, कंपनी को ना टैलेंट चाहिए होता है, क्योंकि सब कंपनी को भी पता चल गया कि डिग्रियां कोई भी कर लेता है, कहीं से भी कर लेता है। देखो, बीसीए आपको करना है, एमसीए करना है, बीटेक करना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो गए हैं जहाँ पे आप ना जाने के बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी, तो ये चीज़ कंपनी को भी पता है। तो कंपनी अभी फोकस कर रही है कि बंदे के अंदर टैलेंट कितना है, इंटरव्यू में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो मेन चीज़ वही है। मैं डायरेक्टली अगर बोलूँ कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पे चीज़ों को सीखो और लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो कि जेट किंग जैसा ही होगा, आपको वही चीज़ें सारी बताएगा और वो 10,000, 15,000 और 20,000 में भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, इन द लास्ट क्या पॉइंट होता है कि हमें एक जॉब चाहिए, वो चाहे हमें जेट किंग दिलवा दे या हमें कोई अदर इंस्टीट्यूट दिलवा दे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको वहाँ पे फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो हमें जॉब दिला दे। और मैं एक चीज़ और आपको बात बता दूँ, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आप जा रहे हो, अगर वो बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट दिलाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, 100% प्लेसमेंट वो दिलाते हैं जहाँ पे फीस हाई होती है, 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपए, तो वो क्या करते हैं, वो आपको प्लेसमेंट जरूर दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क के इंस्टीट्यूट भी हैं और आईटी के भी इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे। तो क्या होता है कि आप जाओ वहाँ पे, लोकली बात करो और इसके बाद में ट्रेनिंग अटेंड करो और वहाँ पे अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद आपको मार्केट में बहुत जॉब मिल जाएंगी। फ्रेशर्स के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी, दोनों के लिए ये वैलिड होता है। कई बार होता है कि लोग अपनी प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, जैसे सपोर्ट में जॉब कर रहे हैं वो डे ऑप्स में जाना चाहते हैं, क्लाउड में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी में या लिनक्स वगैरह या सर्वर की प्रोफाइल में, तब भी वो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कोर्स करने के लिए। तो आप कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम जेट किंग, और वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।